एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल देखिए जो हमारा इस टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज चल रही है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की कौन सी क्लास है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की थर्ड क्लास ठीक है यदि आपने लास्ट टू क्लासेस नहीं देखी है तो आपको इसकी प्रीवियस सीरीज में ही दिख जाएगी एक प्ले बनाई है मैंने स्पेसिफिक रिलीफ नाम से उसमें आपको क्लास नंबर वन एंड क्लास नंबर टू दिख जाएगी ठीक है अब देखिए हम कहाँ तक पहुंच चुके थे हम पहुंच चुके थे सेक्शन वन टू लेकर से लेकर सेक्शन एट तक सेक्शन एट से लेकर हम कहा पहुंच गए थे सेक्शन आठ तक सच का जो हमारा टॉपिक है आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस की जा सकती है मतलब ऐसे कॉन्ट्रेक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको स्पेसिफिक परफॉर्म किया जा सकता है ये ऐसा रे के चैप्टर टू में है दिखाया गया चैप्टर टू जो है वो है सेक्शन नाइन से लेकर सेक्शन ट्वेंटी फाइव ठीक है ये सारी चीजें ये बताएगी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे सेक्शन नाइन बताएगा कि भाई डिफेंडेंट के पास में क्या अधिकार है सेक्शन टेन से लेकर सेक्शन थर्टीन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है सेक्शन टेन टू सेक्शन थर्टीन ठीक है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स किए जा सकते हैं सेक्शन फोर्टीन फोर्टीन ए जो नहीं किए जा सकते हैं ट्वेंटी से लेकर जैसे मैंने आपको पहले बताया अपना जो आज का टॉपिक है सेक्शन नाइन से लेकर सेक्शन थर्टीन है क्या है सेक्शन नाइन से लेकर सेक्शन थर्टीन है बताती हूँ मैं सेक्शन नाइन क्या कहता है सेक्शन नाइन कहता है भाई अभी तक तो आपने बात करी मान लीजिए पारुल, पारुल प्लेटिव है पारुल क्या है है और शालिनी क्या है ये डिफेंडेंट है ठीक है आप क्या कर रहा है पारुल केस लगा रही है आप हमेशा बोलो पारुल बोल रही कि मुझे क्या चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए मुझे क्या चाहिए स्पेसिफिक कोर्ट बोलेगा हाँ ठीक है ले ले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेकिन यहां शालिनी के अधिकार का कहा क्या कहा गया तो शालिनी को जो अधिकार दिया गया डिफेंडेंट को जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार दिया गया है सेक्शन नाइन में कि भाई पारुल तो ले सकती है पारुल तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है लेकिन शालिनी क्या कर सकती है शालिनी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको अधिकार प्रदान किए गए डिफेंस के बेस पे कैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं कि शालिनी क्या बोल सकती है कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पारुल और मेरे बीच ये इन्फ्लुएंस पे आधारित था मुझे उसने क्या किया था इन्फ्लुएंस किया था आप उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं या कोवर्जन पे आधारित था? था या ये तो है ही नहीं कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंसी पे आधारित था ठीक है या मिसरिप्रेजेंटेशन था या मिस्टेक ऑफ फैक्ट था ऐसा कुछ करके क्या बोल सकता है ये ले सकता है डिफेंस सेक्शन नाइन सिंपल सी बात यही बोलता है कि डिफेंडेंट को भी अधिकार है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो दिए गए हैं आधार दिए गए हैं डिफेंस दिए गए हैं वो उनको क्या कर सकता है क्लेम कर सकता है बेरट पे आ जाते हैं क्या बोल रहा है सेक्शन नाइन द पर्सन द पर्सन अगेंस्ट होम द पर्सन अगेंस्ट होम द रिलीफ इज क्लेम्ड कौन है वो पर्सन डिफेंडेंट मींस शालिनी कौन है वो पर्सन शालिनी क्या बोल रहा है? Defense, क्या कर सकता है वो भी डिफेंस ले सकता है ऐसा नहीं है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो ये बोल रहा है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट जिस पर्सन के अगेंस्ट रिलीफ क्लेम किया गया है वो भी बाय वे ऑफ डिफेंस क्या जो भी उसको अवेलेबल है लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं कि द द डिफेंडेंट टेक डिफेंस दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन किस पे बेस था इन्फ्लुएंस पे इन्फ्लुस था या कोअर्जन पे बेस था या फ्रॉड पे बेस था या मिस रिप्रेजेंटेशन या, या आप इसके अंदर लिख सकते हैं इनकॉम्पिटेंसी कि भाई मैं तो मेजर हुई है। मेरे पे या तो वो पर्सन मेजर है ही नहीं ऐसे ऐसे करके क्या कर सकता है वो सेक्शन नाइन के अंदर क्या कर सकते हैं डिफेंस सकते हैं अब आ जाइए सेक्शन टेन सेक्शन टेन स्पेसिफिक रिलीफ स्पेसिफिक रिलीफ का सेक्शन टेन क्या बोलता है वही बात बोलता है जो स्पेसिफिक रिलीफ का एक्ट बोलता है क्या बोलता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट हर कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या बोल दिया सेक्शन टेन ने कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या किए जा सकते हैं स्पेसिफिकली परफॉर्म स्पेसिफिकली परफॉर्म किए जा सकते हैं आ जाइए पहले मैं समझा देती हूँ कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किए जा सकते सेक्शन टेन बोलता है एवरी कॉन्ट्रैक्ट एवरी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड एवरी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली परफॉर्म एक्सेप्ट सेक्शन इलेवन के टू हम देखेंगे सेक्शन इलेवन का टू क्या है सेक्शन फोर्टीन एंड सेक्शन सिक्सटीन मीन जो इन सेक्शन में दिया गया है इनको स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस किया जा सकता है आज देखते हैं क्या बोलाफिक्स ऑफ अक्टी इन्फोर्स बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द सर्टन एक्सेप्शन में सबसे में आपको बताई चुके हूँ ठीक है ये ट्रस्ट की बात करता है सेक्शन फोर्टीन सेक्शन सिक्सटीन ठीक है इन तीन के अलावा आप क्या कर सकते हो हर कॉन्ट्रैक्ट का हर कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स कर सकते हो आप क्या बोलते हैं सेक्शन इलेवन भाई सेक्शन टेन में एक्सेप्शन दे दिया सेक्शन इलेवन पढ़ना जरूरी है सेक्शन इलेवन क्या बोल रहा है सारे कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रस्ट से ट्रस्ट में बनाए गए हैं वो सारे क्या हो सकते हैं स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड हो सकते हैं मतलब क्या बात कर रहा है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट किस जो भी सारे केसेस हैं जो कनेक्टेड विद ट्रस्ट है उनका भी क्या हो सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है फर्स्ट में यही बात की गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स व्हेन द एक्ट एग्री टू बी डन इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट ठीक है समझ में आ गया कि ट्रस्ट से होली या पार्टली परफॉर्मेंस का क्या किया गया किसी ने वादा किया कि भाई मैं कर दूंगा परफॉर्मेंस कर दूंगा तो क्या किया जा सकता है आप इनफोर्स करवा सकते हैं लेकिन सेक्शन इलेवन सब क्लास टू में सब सेक्शन टू में क्या दे रखे एक्सेप्शन दे रखे क्या किया ट्रस्टी ने क्या किया ट्रस्टी ने अपने पावर का एक्सेस यूज कर लिया उसको जो ट्रस्ट देने वाला है ट्रस्ट देने वाला है उसने क्या किया उसको एक लिमिटेड पावर दी थी मान। मान लो बोला कि तू खर्च करेगा अब वो इंसान छह हजार खर्च कर रहा है तो अब आप मतलब अब जो ट्रस्टी के खिलाफ केस लगा रहा है वो क्या करवा सकता वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता क्योंकि ट्रस्ट देने वाला ट्रस्ट देने वाले ने लिमिट क्या करी थी पांच हजार की लिमिट दी थी और इसने क्या किया है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है तो अब क्या नहीं हो सकता स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकता क्या बोला मैंने की ट्रस्टी ने इन एक्स पावर और इन ब्रीच ऑफ वी कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स इन कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कह सकता एग्जाम्पल देखिए फॉर एग्जाम्पल फारुल इज अ ट्रस्टी ऑफ अ लैंड फारुल क्या है एक ट्रस्टी है

तो ट्रस्ट जो ट्रस्ट बनाने वाला ट्रस्ट है ट्रस्ट बनाने वाला ट्रस्ट देने वाला है उसने तो दी नहीं थी तो इसने क्या कर दिया एक्सेस ऑफ इस पावर में कॉन्ट्रैक्ट किया है ठीक है ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इन कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेरक में एक बार पढ़ लीजिए और रेफर मतलब आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट में क्या दे रखा है सेक्शन 11 के अंदर जो आप अपन क्या कर सकते हैं सेक्शन 11 के अंदर कितने टाइम में केस लगा सकते हैं लिमिटेशन दे रखी है थ्री इयर्स दे रखी है एक मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में एक बार पढ़ लीजिए और प्लीज बेयरक लेकर बैठिएगा बेयरक लेकर बैठिए नोटबुक लेकर बैठिए यदि आप क्लास ले रहे हो यदि और आपने दो क्लास नहीं लिए इस क्लास को लेने से पहले पहले आप वो बाकी पहले की दोनों क्लास ले लेंगे ट्वेल्थ समझने के लिए आपको पहले कहां जाना पड़ेगा ट्वेल्थ समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेन स्क्रीन पर मैं पहले समझना पड़ेगा ट्वेल्थ ऐसा है सबसे कॉम्प्लीकेटेड सेक्शन है कई लोगों कोर्ट कभी भी पार्ट परफॉर्मेंस के लिए पार्ट परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर नहीं देता है सिंपल सी बात है पार्ट परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा लेकिन हर चीज के एक्सेप्शन एक्सेप्शन होते हैं क्या है सेक्शन ट्वेल्व ही पढ़ लेते हैं फिर आके हम टू थ्री फोर पढ़ेंगे स्पेसिफिक कोर्ट शेल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक कोर्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं करेगा पार्ट ऑफ दर्फॉर्म लेकिन इसके जो एक्सेप्शन है में. क्या बोल रहा है पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है वो इज अनेबल्ड टू परफॉर्म द होल ऑफ हिस पार्ट ऑफ इट कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है परफॉर्म नहीं कर पा रही है अपने हिस्से का सारा काम लेकिन जो परफॉर्मेंस बची है लेकिन जो परफॉर्मेंस बची है वो क्या है वो सिर्फ स्मॉल परफॉर्मेंस स्मॉल प्रपोर्शन लाइक क्या करा हंड्रेड परसेंट कोई चीज का काम है क्या काम नहीं कर पा रहा दस परसेंट काम नहीं कर पा रहा वो पर्सन ब्रीचिंग जो पार्टी है वो दस परसेंट काम नहीं कर पाई तो जो लेफ्ट एंड पार्ट है वो क्या है एक स्मॉल प्रपोर्शन है और द एंड द पार्टी ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट एडमिट्स द कॉम्पन्सेशन इन मनी और क्या हुआ जो पार्टी ब्रीच कर रही है पार्टी ब्रीच कर रही है वो बोल रही है गया, मैं नहीं कर 10 का। तो क्या हुआ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? तो पार्टी बोल रही है दस परसेंट के लिए आप मेरे से क्या ले लो कॉम्पनसेशन ले लो तो कोर्ट क्या करेगी एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी मतलब कोई भी पार्टी चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो उसके सूट लगाने पर यहाँ पे बोला एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी ईदर पार्टी इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड क्या करेगी वो बोलेगी जो पार्टी काम कर रही थी वो कहेगी कि आप क्या कर दो जितना आप कर सकते हो मतलब नाइंटी परसेंट आप काम कर सकते हो ना उसका तो काम कर लो कर सकती हूँ क्या कर देगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल देगी एंड अवार्ड कॉम्पनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशियर कोर्ट बोलेगी कि यार दस परसेंट जो आप काम नहीं कर पा रहे हो उसके लिए आप क्या कर दो तो कॉम्पनसेशन पे कर दो इसका एग्जाम्पल है पढ़ते हैं एग्जाम्पल कि पारुल कॉन्ट्रैक्ट विद शालिनी पारुल ने शालिनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तू मेरे फंक्शन में बीस सॉन्ग्स क्या करेगी बीस सॉन्ग्स परफॉर्म करेगी बीस सॉन्ग्स गाएगी अब शालिनी सिर्फ उन्नीस सॉन्ग्स गाती है और एक के लिए वो क्या है कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार है ठीक है तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाता है क्योंकि जो पार्ट अनफॉर्मफॉर्म तो लेफ्ट था पार्ट जो अनपरफॉर्म था वो वेरी स्मॉल इन परपोर्शन था ठीक है, आई होप टू जहां पे आपको याद रखना है तीन चार पॉइंट प्रपोर्शन दूसरा पॉइंट किसी भी पार्टी कोई भी पार्टी सूट लगा सकती है चाहे प्लेट चाहे पारुल चाहे शालिनी कोई मैंडेटरी नहीं कि कौन सूट लगाएगा ठीक है कोर्ट बोलेगी कि हाँ भाई आप जितना जितना कर सकते हो नाइनटी परसेंट कर सकते हो कर दो दस परसेंट के लिए आप क्या दे दो कॉम्पनसेशन दे दोन आई होप समझ में आ गया होगा आपको थ्री ट्वेल्व का थ्री बोलता है अभी हम बोल रहे थे ठीक है। है, है अब लेकिन जो अनेबल तो पार्ट है, वो है, तो पार्ट होल, मतलब 100%, 100 काम करने के लिए बोला था लेकिन थर्टी परसेंट ही काम कर पा रही कर ब्रीचिंग पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्टिंग पार्टी है वो सिर्फ थर्टी परसेंट काम कर पा रही है

फॉर्म्स आर कंसिडरेबल भाई सेवेंटी परसेंट का है कंसिडरेबल पार्ट है एम ही पार्ट नहीं है लेकिन फर्स्ट पॉइंट अब जो पार्ट बच रहा है जो पार्ट बच रहा है उसका कॉम्पनसेशन इन मनी मतलब कॉम्पनसेशन इन मनी में एडमिट किया जा सकता है ए पार्ट बी पार्ट बोल दिया कि कॉम्पनसेशन इन मनी में एडमिट नहीं किया जा सकता तो सबसे पहले अब आएंगे कि कौन पार्टी केस लगाएगी ठीक है जो मैं हूं जो डिफॉल्ट कर रही हूँ वो तो लगा ही नहीं सकती जो थर्टी परसेंट काम कर रही है वो तो लगा ही नहीं सकती कि भाई मुझे तीस परसेंट का पैसा दो वो तो आप लगा ही नहीं सकते आपने क्या करा है परफॉर्मेंस आप तो ले ही नहीं सकते हो बट द कोर्ट मे एट द सूट ऑफ अदर पार्टी अदर पार्टी मतलब सफरिंग पार्टी अदर पार्टी का मतलब है सफरिंग पार्टी क्या करेगी पार्टी इन डिफॉल्ट को बोलेगी कि तू क्या कर परफॉर्मेंस दे परफॉर्मेंस दे जितना तू कर सकता है और फर्स्ट मैंने क्या बताया था यदि कंपनसेशन इन मनी मतलब कंपनसेशन इन मनी को क्या किया असरटेन किया जा सकता है तो कोर्ट क्या बोलेगी उस अदर पार्टी को कि तू एक काम कर सत्तर परसेंट का पैसा मत दे और थर्टी परसेंट का पैसा दे दे समझ में आई सिंपल सी बात अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे वापस बोलती हूँ क्या बोलता है सब सेक्शन थ्री कि एक पार्टी जिसने क्या किया है एक पार्टी जिसने डिफॉल्ट किया है उसने लेकिन डिफॉल्ट बहुत बड़े पोर्शन का किया है सेवेंटी परसेंट पोर्शन का उसने डिफॉल्ट कर दिया तो वो तो एंटाइटल्ड है ही नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट लगाने के लिए कौन एंटाइटल्ड है जो दूसरा पर्सन है सफरिंग पार्टी है वो एंटाइटल्ड है लेकिन कोर्ट क्या बोलेगी कि भाई डिफॉल्ट पार्टी तेरा मन है उतना काम करती है लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब कंपनसेशन इन मनी को असरटेन किया जा सकता है यदि सत्तर परसेंट को हम असरटेन करते हैं तो कोर्ट बोलेगी कि एक काम करो आप डिफॉल्टिंग पार्टी आप अपना थर्टी परसेंट काम कंप्लीट कर दो और जो अदर पार्टी सफरिंग पार्टी आप क्या करो आप उसको सिर्फ थर्टी परसेंट का पैसा दो सेवेंटी परसेंट का पैसा आप क्या कर लो फाट लो देखो केस फॉलिंग अंडर क्लॉज एस और एग्रीड कंसिडरेशन एग्रीड कंसिडरेशन आप दे दो होल ऑफ द कॉन्ट्रेक्ट एग्रीड कंसिडरेशन जो था आप दे दो बट रिड्यूस कर दो माइनस कर दो बायसिडरेशन फॉर दार्टच मस्ट लेफ्ट था टोटल सेवेंटी परसेंट इतना आप क्या कर दो पे कर दो ठीक है ये बोला सफरिंग पार्टी एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ स्क्रीन पे पहले चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे फिर हम पढ़ेंगे देखिए क्या बोला पारुल ने कहा शालिनी को कि यार तो मेरी शादी या मेरे फंक्शन में बीस सॉन्ग्स बीस सॉन्ग्स आप क्या करना गाना मैं आपको फाइव थाउजेंड रुपीज फाइव थाउजेंड रुपीज पर सॉन्ग दूंगी पर सॉन्ग पे करूंगी अब क्या हुआ पारुल गा रे सिर्फ ग्यारह गाने गाए पारुल ने पारुल ने इलेवन सॉन्ग गाए अब नौ सॉन्ग नहीं गाए कंसिडरेबल पार्ट है भाई आपने बीस में से नौ गाने नहीं गाए कंसिडरेबल पार्ट नहीं कर पा रहे आप अब पारुल तो केस लगा ही नहीं सकती पारुल ने क्या करा कंसिडरेबल पार्ट को परफॉर्म नहीं किया अब लेकिन यदि शालिनी चाहती है शालिनी चाहती है केस लगाना तो कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट बोलेगा कि तू एक काम कर पांच हजार इंटू ग्यारह फिफ्टी फाइव थाउजेंड इसको पे कर दे टोटल अमाउंट वन लाख था तो वन लाख में से जितने इसने सॉन्ग्स प्ले नहीं करे हैं मतलब गाए नहीं है कितने नहीं गए नाइन नहीं गए उतना आप क्या कर दो रिड्यूस कर दो और इसको उतना पे कर दो ठीक है आई होप कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा क्योंकि क्यों बोला कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्योंकि हम कंपनसेशन इन मनी को काउंट कर सकते हैं कंपनसेशन इन मनी कुड बी काउंटेड काउंट कर सकते हैं ना दिख रहे है, पांच हजार पर सॉन्ग दूंगी तो पांच हजार रुपए जितने उसने नहीं गाए मत दो यदि आपको के केस लगाना है आप क्या करो मत दो पांच हजार जो भी है नाइन सॉन्ग्स के पैसे ठीक है बाकी का आप पे कर दो का नेक्स्ट पढ़ते अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं दूसरा समझाती हूँ यहाँ पे तो क्या था कॉम्पनसेशन इन मनी वुड बी काउंटेड सर्टीन कर सकते थे कैलकुलेट कर सकते थे नया अच्छा वर्ड है कैलकुलेटेड लेकिन बात आई सेम बात फारुल शालिनी एक लाख रुपए बीस सॉन्ग्स सॉरी एक लाख नहीं बोलते बीस सॉन्ग्स गाएगी शालिनी और पारुल क्या देगी कार देगी एक अच्छी से कार दे देगी पारुल को ठीक है उसका अच्छा रिलेशन है शालिनी के साथ में यदि वो बीस सॉन्ग्स गाएगी तो पारुल क्या दे देगी कार दे देगी अब लेकिन शालिनी गा रही है इलेवन सॉन्ग्स अब आप कार के टुकड़े कैसे करोगे भाई यदि शालिनी यदि शालिनी बोल रही है मतलब पारुल बोल रही है कि मुझे तो केस लगाना है तो कोर्ट क्या बोलेगी ठीक है इसने ग्यारह सॉन्ग गा दिए उसके तो पैसे तो मतलब इसके लिए तो ठीक है लेकिन अब आप कार पैसे प्रपोजन करोगे आप कंपनसेशन इन मनी को तो असरटेन नहीं कर सकते हो तो यदि आपको केस लगाना है तो आप क्या कर सकते हो आपको जितना आपने एग्री किया था इलेवन सॉन्ग्स के लिए भी आपको ये कार पूरी की पूरी देनी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि आप इसकी सीट निकाल दो आप इसके टायर निकाल दो आप इस कार की क्षति निकाल दो ऐसा नहीं है आपको फुल अमाउंट पे करना मतलब फुल जो कार है उसको देना पड़ेगा क्यों, क्यों, क्यों देना पड़ेगा क्योंकि कंपनसेशन इन मनी कंपनसेशन इन मनी वो डंट भी काउंटेड ठीक है स्क्रीन पे आते हैं पहले ये पुराने वाले एग्जाम्पल समझते हैं ए वाला जहां पे काउंट कर सकते हैं पारूल कॉन्ट्रेक्ट विद शालिनी टू परफॉर्म ट्वेंटी एंड नॉट रेडी टू परफॉर्म एनी मोर ठीक है इफ फाइल्स सूट अगेंस्ट शालिनी द कोर्ट विल आस्क टू पे पारूल फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज ओनली क्या बोला था सारा अमाउंट जो है होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का रिड्यूस्ड बाय कंसिडेशन फॉर अनपरफॉर्म अन परफॉर्म होल अमाउंट माइनस अनपरफॉर्म सॉन्ग अमाउंट दैट इज फाइव थाउजेंड माइनस इंटू नाइन

शालिनी ने सॉन्ग्स गाए और मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं अब पारुल यदि शालिनी के अगेंस्ट केस लगा रही है तो कोर्ट पारुल को बोलेगी तो पूरा का पूरा इकार दे विदाउट एनी अबॉटमेंट बिकॉज कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट बी असर ठीक है लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है पारुल इन फ्यूचर कभी भी शालिनी के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं ला सकती कि इसने मेरे नौ ही नौ गाने गाने बोला था ये गा ही नहीं रही है अब आप क्योंकि आप आपने केस लगा दिया दिया कोर्ट ने आउट कर दिया आपकी चीजों को अब आप सारे क्लेम्स को क्या करोगे रिलिंक्विश करोगे जो रिमेनिंग पार्ट था उससे संबंधित सारे क्लेम्स को क्या करोगे रिलिंक्विश करोगे इन ईदर केस रिलिंक्विश रिलिंकुश इज ऑल क्लेम्स टू परफॉर्म ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो रिमेनिंग पार्ट था लाइक नौ सॉन्ग्स के लिए आपने क्या करे सारे क्लेम्स को क्या करो रिलिंक्विश करा एंड ऑल राइट टू कॉम्पनसेशन आप कॉम्पनसेशन के भी सारे अधिकार खोदोगे इधर फॉर द डिफिशियंसी और फॉर द लॉस और डीमेज सस्टेन्ड बा डिफॉल्ट डिफेंड है एग्जाम्पल आरूल कैन नॉट फाइड सूट अगेंस्ट शालिनी एनिमोर अब आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो फोर्थ नंबर पॉइंट है जैसे मैं एक चीज बताती हूँ इसको समझने के लिए आते हैं दूसरे स्क्रीन पे फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोलता है फोर्थ नंबर पॉइंट बोल रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट है ये किस पार्ट में डिवाइडेड है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है।, मतलब पार्ट, पार्ट. पार्ट है कहने को ये कॉन्ट्रैक्ट एक है लेकिन ये दोनों पार्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है इंडिपेंडेंट independent है इंडिपेंडेंटली क्या हो सकता है इनका परफॉर्मेंस हो सकता है ना? तो अब क्या होगा कोर्ट पर अब ये देखिए फर्स्ट पार्ट का तो परफॉर्मेंस हो सकता है इंडिपेंडेंटली सेकंड पार्ट का मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ये एक का दूसरे पे कोई मतलब नहीं है दूसरे का पहले से कोई मतलब नहीं है तो सेकंड पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता और थर्ड पार्ट का परफॉर्मेंस हो, सक, हो सकता फर्स्ट पार्ट का परफॉर्मेंस हो सकता है कोर्ट बोले कि ठीक है फर्स्ट को परफॉर्म कर दो क्या बोलेगी कि आप क्या करो स्क्रीन पे आते हैं मेरक पढ़ते हैं क्या बोला वे आर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट टू पार्ट कॉन्ट्रेक्ट कंटेंट इन टू पार्ट जो part जो किया जा सकता है, वो सेपरेट है इंडिपेंडेंट है दूसरे पार्ट से दूसरे पार्ट से और दूसरा पार्ट कैसे है जिसे स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो कोर्ट क्या करेगी कोर्ट डायरेक्ट कर देगी कि भाई हाँ ठीक है फॉर्मर पार्ट को आप क्या कर दो फॉर्मर पार्ट को आप स्पेसिफिकली परफॉर्म कर लो ठीक है फॉर्मर पार्ट को आप स्पेसिफिकली परफॉर्म कर लीजिए आते हैं ठीक है सेक्शन ट्वेल्व बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है लोगों को समझ में नहीं आता लेकिन मैंने ट्राई किया है कि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा दू अब आता है सेक्शन थर्टीन सेक्शन थर्टीन आता है मैं आपको पहले स्क्रीन पे समझाती हूँ कि सेक्शन थर्टीन क्या बोलता है देख समझिए कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं अच्छा सा सुंदर सा कलर इसका लेते हैं क्या बोला सेक्शन थर्टीन देखो पारुल समझदार लड़की है है। एक शॉप चलाती है अच्छी अच्छी लोगों को क्या बेचती है चीजें घर बेचती है मान लो पारुल क्या है एक अच्छे से खूब घर है उसके पास में लोगों को घर बेचती है लेकिन कैसे बेचती है बेवकूफ बना के बेचती है उसका खुद के घर नहीं है वो क्या करती है गलत गलत गल, 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 डॉक्यूमेंट निकाल के अपने फेवर में करके क्या कर लेती है लोगों को घर बेच देती है तो सेक्शन थर्टीन इसी बारे में बात करता है कि जो वेंडर है उसके पास में क्या नहीं है राइट्स नहीं है वो एंटाइटल्ड ही नहीं है घर बेचने के लिए या किसी भी चीज के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है तो अब जो परचेजर है उसके क्या अधिकार होंगे परचेजर के क्या अधिकार होंगे सेक्शन थर्टीन ये बात करता है

घर घर जो था पारुल ने मान लो बी नाम का घर सोल्ड आउट किया पहले पारुल के पास में क्या नहीं था पारुल के पास में इस घर का टाइटल नहीं था लेकिन बेचने के बाद में क्या हुआ पारुल के पास पारुल को कहीं ना कहीं से ये टाइटल मिल गया एक्चुअल टाइटल मिल गया तो वो क्या बोलेगा मान लो शालिनी को घर बेचा बिना टाइटल के अब बाद में टाइटल मिल गया तो शालिनी क्या बोलेगी तो मेरे जो मेरा जो टाइटल है उसको मेक गुड गुड कर इस टाइटल को पहले तूने क्या करा था पहले तूने बिना अधिकार के बेच दिया था अब मुझे क्या कर मुझे अब मेक गुड कर मुझे अच्छे से देव करते हैं स्क्रीन पे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोलते हैं भैया ना वेंडर और लेसर है कॉन्ट्रेक्ट किया था तब नहीं था अधिकार लेकिन सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास में क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया इंटरेस्ट आ गया तो द परचेजर और द लेसी मे कंपेयरड मैं क्या कर सकती हूँ शालिनी क्या कर सकती है मुझे कंपेयर कर सकती है कि क्या कर मेक गुड कर मतलब जो तू मेरे अधिकार है मेरा इंटरेस्ट है उसका क्या कर मेक गुड ठीक है मेक गुड टू द कांटेक्ट ऑफ सचिन सर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है आइए क्या बोलता है सेकंड पॉइंट जो आ, वो है वेंडर है वेंडर क्या है वेंडर को बाउंड है वेंडर बाउंड है कि वो किसी और पर्सन के कॉन्करेंस ले वेंडर बाउंड है कि वो किसी और पर्सन के कॉन्करेंस ले ठीक है तो वैलिडेट द टाइटल तो वो क्या करेगा जब वेंडर वेंडर और लेसर को क्या बोलेगा परचेजर कि भाई कंपेयर करेगा कि तू क्या कर उसको उस जो जो तेरे को कॉन्करेंस लेनी है वो ले ले जो तेरे को कन्विंस लेनी है वो ठीक है समझ में आ गया होगा आई वो हो? अब आते थर्ड पॉइंट हर पॉइंट क्या बोल रहा है स्क्रीन पे आते पहले देखिए से पारुल ने शालिनी को प्रॉमिस किया कि मैं जो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर रहा हूं अनएनकम्बर्ड है मतलब इस पर कोई लोन नहीं चल रहा ठीक है अनएनकम्बर्ड है लोन नहीं चल रहा मान लो लेकिन इस पर क्या चल रहा था सेवेंटी थाउजेंड का लोन चल रहा था ठीक है सेवन लैक बोलते थे अब इसने शालिनी को प्रॉपर्टी बेच दी अब शालिनी को पता चला कि यार ये प्रॉपर्टी तो एनकम्बर्ड है मतलब लोन वाली प्रॉपर्टी किसी और ने ऑलरेडी मोर्गेज ले रखा है इस प्रॉपर्टी पे शालिनी क्या फोर्स करेगी और ये जो जो अमाउंट शालिनी ने पे किया था वो पे किया था एक करोड़ रुपए एक लाख या सॉरी सात लाख का था शालिनी ने जो अमाउंट पे किया था वो था दस लाख रुपए ठीक है तो शालिनी क्या बोली थी कि भाई मैंने तुझे दस लाख रुपए दिए है ना तो ये काम कर सात लाख रुपए का जो तेरा लोन चल रहा है उसको तू क्या कर फ्री कर ले तो ये शालिनी का अधिकार है क्यों अधिकार है कि शालिनी को क्या बोला था पारुल ने कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है कोई मोर्गेज नहीं चल अनकम्बर्ड है तो अब शालिनी फोर्स करेगी भाई तूने चल मेरे से दस लाख ले लिए मैंने मान लिया इनकम्बर्ड थी तेरी प्रॉपर्टी तू ये सात लाख रुपए जिस पर्सन का लोन था प्लीज उसको चुका दे तो ये शालिनी का अधिकार है स्क्रीन पे आते वेयर आर अन्डर

एंड टू ऑप्टेन शालनी तुझे दिए हैं उसमें से क्या कर सात लाख रुपए देकर ठीक है उसको क्या कर ले प्रॉपर्टी को रिडीम करा ले और वैलिड डिस्चार्ज करा ले ठीक है अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि जब वेंडर और लेसर क्या करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कूट लगाता है वेंडर कोर्ट में जा रहा है कि भाई मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो इस परचेजर ने बोला था कि मैं इस क्या करूंगा मैं तेरी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा अब ये खरीदने से मना कर रहे हैं ठीक है कोर्ट बोल कोर्ट ने क्या करा कोर्ट बोल रहा है कि तू कैसे आ रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तेरे पास तो ओनरशिप ही नहीं है तेरे पास तो बेचने का अधिकार नहीं कोर्ट ने क्या कर दिया कोर्ट ने चीज को डिसमिस कर दिया मैं बताती हूँ जिसे पारुल कोर्ट में गई कि शालिनी घर नहीं खरीद रही शालिनी ने पहले कहा था अब वो डिनाई कर रही है घर नहीं खरीद रही है लेकिन पारुल के पास में क्या है टाइटल ही नहीं है तो कोर्ट ने क्या करा कोर्ट ने इस टाइटल को क्या कर दिया कोर्ट ने बोला कि नहीं तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हो क्योंकि आपके पास में वॉन्ट ऑफ टाइटल तो है ही नहीं आपके पास में वॉन्ट ऑफ टाइटल तो है नहीं अब क्या हुआ लेकिन शालिनी ने क्या किया था शालिनी ने पहले ही पारुल को एक लाख रुपए दे दिए थे ठीक है अब क्या को ये सेक्शन ये बोल रहे हैं कि शालिनी के पास में अधिकार है शालिनी के पास में अधिकार है कि वो जो एक लाख रुपए है वो विद इंटरेस्ट वो क्या कर सकती है पारुल से रिकवर कर सकती है सेम बात बोल रहा है आप लोग पढ़ लीजिएगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन डिसमिस हो गया ऑन द ग्राउंड ऑफ द टाइटल तो डिफेंडेंट के पास क्या है वो अपना सारा डिपॉजिट विद इंटरेस्ट क्या कर सकता है विद इंटरेस्ट वापस ले सकता है और ये जो सेक्शन थर्टीन का सेक्शन थर्टीन किस पे अप्लाई होता है हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होता है आई होप आप लोगों को चीजें जो हमने सेक्शन पढ़ा नाइन टू लेके नाइन टू थर्टीन नाइन टू थर्टीन आपको सेक्शन समझ में आ गए होंगे ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू